हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिय आप सभी को सुप्रिय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो वंडर हिट गेस क्वेश्चन, जो टॉप 10 क्वेश्चन आता है हर साल एग्जामिनेशन से पहले हर साल आता है, जिसको हम लोग मॉडल क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं और टॉप 10 क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन कहाँ मिलता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग जाइएगा तो मार्केट में बोलिएगा टॉप 10 क्वेश्चन देने के लिए, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन अब जब आप लोग के पास ये वीडियो पहुंच ही गया और इस वीडियो को देख ही रहे, तो अब आप लोगों को मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है खरीदने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं, हम लोग आज मैथ ऑनर्स का क्वेश्चन देखेंगे। किसका देखेंगे, मैथ ऑनर्स के पेपर 3 का मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड। क्या है, प्रूव डैट एनी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर, आपको प्रूव करना है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो किसी भी रियल नंबर का विच इज़ बाउंडेड, वो जो है आप लोगों का क्या होगा, बाउंडेड होगा, अबव विच इज़ बाउंडेड अबव होगा, हैज़ अ लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, प्रूव डैट बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर देयर आर इन्फिनिटी ऑफ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रूव डैट अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो टेंड्स टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो ये क्वेश्चन आप लोग के परीक्षा में आने की जो है ना ज़्यादा संभावना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग का ज़्यादा चांस है कि आप लोग के परीक्षा में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, डिफाइन कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा ये। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ कांटर थ्योरी ऑफ रियल नंबर, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, ओके। आप लोग जो है ना अपना टारगेट रखिएगा रियल एनालिसिस का, बस 3 ही क्वेश्चन, कांटर थ्योरी और डेडिकाइन थ्योरम आप लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या आप लोग का, एग्जामिन दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए ये तो लिख के ले लीजिए कि आप लोगों का एक कोई भी फंक्शन दे देगा, यहाँ मॉड एक्स दिया हुआ है, वहाँ कोई भी फंक्शन दे देगा और आप लोगों को बोलेगा क्या, किसका कंटिन्यूटी और डिफरेंसिबिलिटी चेक करो, तो आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग का, स्टेट एंड प्रूफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, तो देखिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जो आप लोगों के परीक्षा में है ना, वो आने का चांसेस थोड़ा सा कम है। आप लोगों को टेलर्स थ्योरम और आप लोगों को करना है लैंग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और आप लोगों को करना है रॉल्स थ्योरम, ये 3 थ्योरम को अच्छे से करना है, ठीक है। फिर क्या आप लोग का, एक्सपेंड ऐसे में आप लोग को रियल एनालिसिस का वीवीआई क्वेश्चन, जो कि मैं खुद से गेस की हूँ और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि जो मैं रियल एनालिसिस का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के दी हूँ, वो क्वेश्चन आप लोगों के परीक्षा में अगर उतना कर लेते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है इसका कोई भी गारंटी नहीं है, 0% भी गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ कि इसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये बस मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को मार्केट से जाके, मेरा बस यही काम है कि वैसे स्टूडेंट जो मार्केट नहीं जा सकते हैं किसी भी वजह से, जैसे वो दिल्ली होंगे या फिर कहीं और होंगे, और दिल्ली वगैरह में तो ये टॉप 10 क्वेश्चन मिलता नहीं है, या फिर कोई ऐसे जगह होंगे जहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन नहीं मिलता होगा, या फिर वो मार्केट नहीं जा सकते हैं, बहुत रीज़न हो सकता है, तो वैसे सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो मुझे पेमेंट करते हैं ना इस सब्जेक्ट का चाहिए वो सब्जेक्ट का, मैं उनको ला के दे देती हूँ PDF बना के, ठीक है। और मैं सोची जब मेरे पास आ ही गया है क्वेश्चन, तो मैं क्यों ना यूट्यूब पे भी वीडियो बना के बता दूं, वैसे स्टूडेंट जो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का क्या ग्रुप बी है इनफाइनाइट सीरीज का, तो सबसे पहला क्या नंबर है, स्टेट एंड प्रूफ लॉगरिथमिक टेस्ट, और सेकेंड नंबर क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस व्हेन दिस। नेक्स्ट क्या आप लोग का, स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, और क्या है, स्टेट एंड प्रूफ रैप टेस्ट, और नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट दी सीरीज दिस इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिफाइन, देखिए अगर आप लोग, मैं जो मैथ ऑनर्स पार्ट 2 के लिए जितना भी वीडियो बनाई हुई हूँ ना, तो कोई भी स्टूडेंट अगर मेरा सभी वीडियो को देखे होंगे ना, तो उन लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को ये सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से आता होगा। मैं एक वीडियो बनाई थी जिसमें जितने भी थ्योरम है ना इन्फाइनाइट सीरीज के, सारा का सारा करवा दी थी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा तो सारा थ्योरम हो जाएगा। एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोग को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पूरा पढ़ा दी थी, अगर वो वीडियो देख लेते तो एक क्वेश्चन तो पक्का आप लोग बना लीजिएगा इन्फाइनाइट सीरीज का। इन्फाइनाइट सीरीज 3 क्वेश्चन आता है, तो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस बाय सुप्रिय एजुकेशन अब लिखिएगा, वो वीडियो आएगा, उसको कर लीजिए, बस काम खत्म। इस तरीके से आप लोग करके अपना तैयारी जो है वो पूरा कर सकते हैं। क्या आप लोग का, डिफाइन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज एंड प्रूव दैट इफ द टर्म ऑफ द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज आर रीअरेंज्ड देन द रिजल्टिंग सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली एंड हैज द सेम
सम एज दी ओरिजिनल सीज। ग्रुप सी क्या आप लोग का डिफाइन एन अबेलियन ग्रुप विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या प्रूव डेट द इनवर्स एन एलिमेंट इन अ ग्रुप इज यूनिक। नेक्स्ट क्या स्टेट एंड प्रूव लैंग्रेज थ्योरम। और क्या प्रूव डेट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। प्रूव डेट इन एन इंटेग्रल डोमेन द कैंसिलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड। ठीक है, तो बस इतना ही काफ़ी है, नहीं इसमें और होना चाहिए, जस्ट वेट। अच्छा ये तो पेपर फोर है। अच्छा हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग पेपर थ्री का ही। डिफाइन साइक्लिक ग्रुप इफ ए 9 बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव डेट द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू। अच्छा यहाँ ए के जगह पर 9 है, कोई बात नहीं। तो प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स 9x। नेक्स्ट क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट है प्रूव डेट अ फील्ड इज नेसेसरी एंड इंटीग्रल डोमेन इज द कन्वर्स ट्रू। नेक्स्ट क्या डिफाइन आइडियल, डिफाइन आइडियल इन अ रिंग। प्रूव डेट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इन अ रिंग इज ऑल्सो एन आइडियल इन द रिंग। नेक्स्ट है डिफाइन कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। प्रूव डेट एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक विथ कोसेंट ग्रुप। नेक्स्ट क्या प्रूव डेट द सेट ऑफ नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी रूट टू वेयर ए एंड बी आर रेशनल नंबर इज अ फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताई, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ ऑनर्स पेपर थ्री का मॉडल क्वेश्चन या टॉप 10 क्वेश्चन जो था जो आप लोग मान सकते हैं वो आप लोगों को बताई। इसे क्वेश्चन आएगा या नहीं इसकी गारंटी सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल नहीं लेती है। ठीक है, मैं बस ये आप लोगों को मैं पूरा बता दी हूँ कि ये जो गेस क्वेश्चन है इसे क्या आप लोग देख भी सकते, ये प्रिंट है मेरे हाथ से लिखा भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसका ये खरीदते हैं, इस वजह से इस बार कॉस्ट भी बढ़ा हुआ था हर साल के मुकाबले में। तो मैं सोची जब हर बहुत सारे स्टूडेंट खरीदते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा तो मैं वीडियो ही बना कर डाल देती हूँ। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि इसे आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप लोगों को मैं बस एक ही बात सजेस्ट करती हूँ और हमेशा से करती हूँ, आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए, क्वेश्चन बैंक पढ़िए। बस कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है क्वेश्चन बैंक पढ़िए, बात खत्म, आगे कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन को आप लोग एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं, जैसे मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग मैट्रिक इंटर में बनाते थे ना, इस तरीके से आप लोग इसको मॉडल क्वेश्चन पेपर समझिए और इसको बस सॉल्व कर लीजिए। ये उम्मीद मत रखिए कि से हाँ ये मैं पढ़ लूँगा 10 तो इसी में से कोई आएगा, ये बस नहीं पालना है। आ ही जाएगा क्वेश्चन, अगर कोई 10 क्वेश्चन पढ़ लेगा इसमें से तो 3-4 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं किसी प्रकार का कोई गारंटी नहीं लेती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।